हेलो दोस्तों, आज आप लोगों के सामने बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक लेकर आया हूँ कि आप इस क्लास में हो या अपना लाइफ में हो कैसे टॉप करेंगे, इसी के बारे में साइंटिफिक रीज़न बताएंगे। कोई भी टॉपिक को आप रिमेम्बर कैसे करेंगे इस चीज़ का भी रीज़न आपको बताएंगे, किस तरह से आप क्लास में टॉप कर सकते हैं बस कम से कम टाइम में। इसीलिए अगर आपके पास कोई भी क्लास में टॉप करने के लिए टाइम नहीं है तो घबराने की बात नहीं है, आप कोई भी चीज़ में टॉप कर सकते हैं क्योंकि आपके पास 100% माइंड है। इसीलिए आज का हमारा टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का कि आप क्लास में या लाइफ में कैसे टॉप करेंगे। इसीलिए मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे और वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे। लाइक शेयर तो ठोकना जरूरी है, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए आपका स्वागत करता हूँ हमारे SM मैथ क्लासेस में। तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं इसका साइंटिफिक रीज़न कि आप कैसे किसी चीज़ को याद रख सकते हैं। सपोज़ अगर आपको कोई भी टॉपिक अगर मिलता है चाहे वो मैथ का हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, हिंदी का हो, कोई भी टॉपिक अगर मिलता है कोई भी सब्जेक्ट का, तो जैसे आपका यहाँ पे मैथ की बात होती है चाहे फिजिक्स की बात होती है, कोई भी सब्जेक्ट का अगर टॉपिक मिलता है तो इसको कैसे आप याद रखने की कोशिश करेंगे। सब तो फर्स्ट डे अगर आप स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर देखिए एक टेबल बना हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ रिमेंबरिंग पावर और यहाँ पर लिखा हुआ टाइम पीरियड, यानी टाइम पीरियड के साथ आपका रिमेंबरिंग पावर कैसा रहता है इसी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। यही है आपका साइंटिफिक रीजन के बारे में आज का टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि आप पर डे, यानी ये फर्स्ट डे हो गया, ये सेकेंड डे हो गया, ये थर्ड डे हो गया, ये फोर हो गया, ये फाइव हो गया। अगर आप कोई भी टॉपिक को फर्स्ट डे याद किया जाए तो आप याद कर लिए, मान लिए कि रिफ्रैक्शन के बारे में यानी प्रकाश का जो परावर्तन या अपवर्तन के बारे में जो टॉपिक आप याद कर लिए, तो इस टॉपिक को जब अगर फर्स्ट डे आपसे पूछा जाए कि आपको कितना परसेंट याद है तो आप बताएंगे कि मुझे तो याद है, यानी ये टॉप पॉइंट है, मान लेते हैं टॉप पॉइंट है, तो इस टॉप पॉइंट तक आपको याद है। अब फिर अगर दूसरा दिन आपसे अगर पूछा जाता है तो आप क्या करते हैं, बोलते हैं कि यार कुछ भूल गए होंगे, तो आपके पास कुछ घट जाता है। इसी तरह से तीसरा दिन अगर पूछा जाता है तो आप फिर इस चीज़ को क्या करते हैं, भूल जाते हैं। फिर चौथा दिन अगर आपसे पूछा जाता है तो आप इस चीज़ को भूल जाते हैं। फिर पाँचवा दिन पूछा जाता है तो यानी आप इस तरह से इसका ट्रेडिंग जो कर्व जो बनता है, तो इस तरह से आपका रेशियो, रिमेंबरिंग रेशियो जो होता है वो घटता हुआ चला जाता है। लेकिन यही चीज़ को आप हमेशा के लिए कैसे रखेंगे इसी चीज पे आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए देखिए इस कर्व को जो हम लोग कहते हैं, इस कर्व को जो इसे एक कर्व कहा जाता है, कर्व जो हमारे पास क्या आता है, बैक की ओर चला जाता है, यानी आप घटते हुए चले जाते हैं, पीछे की ओर चले जाते हैं। और क्यों चले जाते हैं इसका रीज़न हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है इस चीज़ को याद करने के लिए, करना क्या है कि कोई भी टॉपिक अगर ले लेते हैं, जैसे प्रकाश का परावर्तन हो या मैथ का ही कोई टॉपिक ले लेते हैं, जैसे मैथ में बहुत सारी चैप्टरें होती है, तो उनमें से जैसे आप रिलेशन एंड फंक्शन ले लिए या आप कैलकुलस ले लिए, सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलस ही माना जाता है 11-12 के लिए, इसलिए आप इस चीज़ को देखते हैं कैलकुलस ये टॉपिक आपने ले लिया, इस टॉपिक को अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो कैसे इसका रिमेम्बरिंग पावर को याद रखेंगे इस चीज़ को मैं बताना जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप ये टॉपिक को देखेंगे कैलकुलस, ये कैलकुलस आपके पास एक चैप्टर है जिसमें फॉर्मूला बहुत ज़्यादा ही होता है। तो सबसे पहले जिस दिन आपने इस चीज़ को स्टडी करना स्टार्ट किया, जिस दिन स्टडी करना स्टार्ट किया, जैसे फर्स्ट डे आपने कैलकुलस का कोई एक टॉपिक पढ़ लिया, वो टॉपिक है या फर्स्ट डे है और इसको पढ़ लिया आपने, जैसे डीसी का टॉपिक है कैलकुलस का, डिफरेंशियल कैलकुलस का टॉपिक है। अब डीसी को फर्स्ट डे आपने पढ़ा, तो फर्स्ट डे जब पढ़े तो आपके पास ट्रेडिंग आपका कहाँ तक चला गया, ये पहुँच गया 100% टॉप पॉइंट तक चला गया, आपको याद है। फिर उसके बाद दूसरा दिन आपने टॉपिक पढ़ लिया आईसी का टॉपिक पढ़ लिया, यानी ये सेकेंड डे तो आपका दूसरा टॉपिक फिर आईसी का पढ़ा, तो इस जगह पे आपके डीसी का जो फर्स्ट डे पढ़े थे उसका रेशियो कुछ क्या हो जाता है, घट जाता है। तो उसी तरह से आप थर्ड डे जब फिर क्या पढ़ लिया, आप इसी में डीई का पढ़ लिया, ये तीनों चैप्टर यानी आईसी मतलब इंटीग्रल कैलकुलस और डीई मतलब डिफरेंशियल कैलकुलस, ये थर्ड डे हो गया।
थर्ड डे हो गया। अब इसी तीनों डे के बारे में हम लोग बताते हैं कि कैसे आप याद रख सकते हैं किसी भी टॉपिक को। तो चलिए देखिए, यहाँ पे सबसे पहली बात है क्या कि आपको जैसे क्लास आवर हो या आपके पास कोई भी अगर क्लास जाते हैं तो उस चीज़ जगह उस जगह पे आपके पास क्या होता है कि इस चीज़ को फर्स्ट डे आप डीसी जब पढ़ के आए तो उसको यूं ही नहीं टीचर के भरोसा में आपको छोड़ देना है। आप उस चीज़ को पढ़ के आए और उसके बाद पढ़ने के बाद उसको रख देते हैं, यही आपके पास सबसे बड़ी कमी होती है। और वही चीज़ को हम लोग क्या करना है कि टाइम टू टाइम रिवाइजिंग करना है, यानी उसी को रिकॉल करते रहना। जब उस चीज़ को हम लोग रिकॉल करते रहेंगे तो वो कभी नहीं भूलेंगे। जैसे कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ लिए, जैसे कैलकुलस चल रहा है, और कैलकुलस जैसे ख़त्म हो गई, ये टॉपिक ख़त्म हो गई थ्री डे में, उसके बाद आपका न्यू टॉपिक स्टार्ट हो गया वेक्टर। क्या स्टार्ट हो गया? वेक्टर स्टार्ट हो गया। तो आप क्या करते हैं कि जैसे वेक्टर स्टार्ट हो गया तो वेक्टर का टॉपिक जैसे स्टार्ट होता है तो आप कैलकुलस को रिवाइजिंग करना छोड़ देते हैं। लेकिन इसमें करना क्या है आपको कि जैसे क्लास में कैलकुलस ख़त्म हो गई है और आपका वेक्टर स्टार्ट हो गया, तो सबसे पहले करना क्या है कि जिस वीक में आपके पास, आपको माइंड में इस तरह का एडजस्ट कर लेना है कि आज इस वीक में इस कैलकुलस को और हर हाल में रिवाइजिंग कर लेंगे। जब आप कैलकुलस को रिवाइजिंग कर लेंगे तो आपको जो फर्स्ट डे पढ़ा हुआ टॉप पॉइंट तक गया हुआ था, ये रेखा, ये ग्राफ हमेशा आपके पास क्या रहेगा? टॉप पॉइंट पे ही रहेगा। अब फिर जब वेक्टर चल रहा है तो जब आपके पास डबल चैप्टर हो गया, क्या हो गया? डबल चैप्टर हो गया पढ़ने के लिए। जब डबल चैप्टर हो गया तो आप कैसे क्या करोगे? फिर आपको क्या करना है कि जैसे कि आप तीसरा चैप्टर कोई भी टॉपिक, जैसे प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हो गया, तो जब आपके पास प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हो गया तो यहाँ पे आपके पास यानी कैलकुलस फर्स्ट टॉपिक था, दूसरा टॉपिक वेक्टर था, तीसरा टॉपिक प्रोबेबिलिटी आ गया। तो फिर आप प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं तो इस तरह से फिर एडजस्ट करना है कि जैसे फर्स्ट वीक में आपने एडजस्ट किया था कि जो क्लास आवर में चलता है तो उसको तो हमको स्टडी करना ही है, और फिर जैसे कि हमारा जो टॉपिक पहले ख़त्म हो चुका है उसको हम लोग इस वीक में रिवाइजिंग कर लेंगे। आपको सबसे पहले माइंड में इस तरह का एडजस्ट कर लेनी होगी। और उसके बाद जैसे कि वेक्टर ख़त्म हो गई तो फिर आपको ये सोच लेना है कि सेकेंड फर्स्ट वीक में तो कैलकुलस को रिवाइजिंग कर चुका था, तो फिर इस वीक में जो मेरा चैप्टर चल रही है यानी प्रोबेबिलिटी, वो तो स्टडी करेंगे ही, साथ साथ हम लोग इस वेक्टर को भी क्या कर लेंगे? रिवाइजिंग कर लेंगे। जब इस तरह से आप बार बार रिवाइजिंग कर लेंगे तो ये जो कर्व है वो बैक नहीं जाएगा, यानी हमेशा आपका क्या कर जाएगा? इंक्रीज करता हुआ जाएगा। जब इंक्रीज करता हुआ जाएगा तो आप हमेशा उस जगह पर क्या कर सकते हैं? टॉप सकते हैं। तो ये तो रही मैथ की बात। अब हम लोग कोई सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं जो थ्योरिकली होता है, और एक चीज आप लोग माइंड में एडजस्ट कर लेंगे कि कोई भी जगह, कोई भी क्लास में अगर टॉपर करना है तो एनसीईआरटी सबसे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए थोड़ा सा फिजिक्स में किस तरह से स्टडी करेंगे इस चीज को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। चलिए अब हम लोग कुछ समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ये ग्राफ जो है, जैसे मैथ में समझा उसी तरह से हम लोग फिजिक्स में भी समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात क्या है कि आपको एनसीईआरटी का बुक उठाना पड़ेगा और एनसीईआरटी का बुक को आपको रिवाइजिंग करना पड़ेगा, यानी रीडिंग देना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात है कि अगर आपको क्लास में टॉपर करना है तो आपको टॉपर करने के लिए खुद आपको मेहनत करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि जो टॉप करता है क्लास में, वो इस तरह से नहीं होता है कि क्लास गया तो या बहुत रात में पढ़ा है चला गया दौड़ते हुए, या चप्पल ही पहन के चले गए, कोई यूनिफॉर्म में नहीं गए, ऐसा नहीं होता है। जो टॉप करता है वो हर चीज का मेंटेनेंस सही टाइम पे करता है, और वो हमेशा आपका जितने घंटे की नींद लेनी चाहिए वो उतना घंटा नींद लेता ही है, लेकिन उसका काम करने का जो एक रूटीन होता है उस चीज़ को वो 100% फॉलो करता है। सपोज कीजिए कि जैसे कोई भी अगर आप बुक स्टडी करते हैं, मान लिए कि एनसीईआरटी का आप फिजिक्स का स्टडी करते हैं, जैसे ये एनसीईआरटी का बुक है, तो इस चैप्टर है, जैसे पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है, तो इसके बारे में मैं बताता हूँ कि इस ग्राफ में कैसे आप बैक नहीं आएंगे, कैसे प्रोग्रेस करेंगे, आपके रिमेंबरिंग पावर जो है कैसे प्रोग्रेस होगा, इस तरह से बताते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, बुक को उठाएंगे। बुक को उठाने के बाद इस तरह से इस चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे। इस चैप्टर में जो पॉइंट है उस चीज को पढ़ेंगे। जब इस जगह पे इस पॉइंट को पढ़ते हुए जाएंगे तो इसमें आपको क्वेश्चन भी मिलेगा, तो उस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, टिक आउट करेंगे और उस बुक के ऊपर आप लिख देंगे। तो इस तरह से पर डे
या दो पेज करके आपको पढ़ना है। आपको अगर टॉपर करना है, सपोज क्या है कि आपको किसी नोट्स की सहारा नहीं लेना है, नोट्स की अगर सहारा लेते हैं तो आप क्या करते हैं कि जब रिकॉल करने की बारी आता है तो दोबारा क्या करते हैं, नोट्स उठाते हैं और उस चीज़ को पढ़ लेते हैं। तो इस तरह से आपके पास क्या होता है कि वो फिर दोबारा रिवाइजिंग करने की बात आई तो नोट्स उठा के आप क्या कर लिए, पढ़ लिए। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि बुक का स्टडी करेंगे। आप सपोज कीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बारे में आपने स्टडी कर लिया, इसमें जो जो क्वेश्चन हुआ वो बुक के ऊपर आपने लिख डाला। इस जगह पर जैसे व्हाट इज इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक क्या है, फील्ड क्या है, चार्ज क्या है, इस तरह से तीन क्वेश्चन आपका बन गया। तो आपने क्या कर लिया, उस चीज़ को फर्स्ट डे याद कर लिया। फर्स्ट डे याद कर लिया तो सेकेंड डे फिर आपसे पूछा जाएगा तो कुछ भूल जाओगे, तो इस तरह से ग्राफ आएगा। फिर थर्ड डे आपके पास आएगा तो इस तरह से ग्राफ आएगा। फिर फोर्थ डे इस तरह से ग्राफ, फाइव डे इस तरह से आएगा। तो आपको करना क्या है कि जब इसी तरह से रिवाइजिंग जब करना है, यानी आपको उसको रिकॉल करना है, तो आप करेंगे क्या उस जगह पे कि जैसे कि फर्स्ट डे जब आप पढ़े थे तो जो भी आपके पास क्वेश्चन आया था, यानी थ्री क्वेश्चन आपने बनाया था, तो उस थ्री क्वेश्चन को आपको रिकॉल करना है। और रिकॉल करना है कि चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक क्या है और फिर फील्ड क्या है, ये तीनों क्वेश्चन आपने जो बनाया तो उस पे आप फोर्स कीजिए कि अरे चार्ज क्या है, हमने क्या याद किया था। ऐसा नहीं कि तुरंत उठाए अब नोट्स को देख के रट लिए तो उस तरह से आपका फिर याद नहीं होने वाला। लेकिन आप 5 मिनट तक रिमाइंड कीजिए कि अगर माइंड में आप एडजस्ट इस तरह से कीजिए कि अरे चार्ज क्या है, इस तरह से आप 5 मिनट तक अगर रिकॉल करके आप उस चीज़ को अगर याद कर लेते हैं तो दोबारा फिर आपका ये ग्राफ टॉप पॉइंट तक चली जाएगी। और उसी तरह से आप फिर तीसरा बार जब याद कर लेते हैं तो वो तो कभी भूलेंगे ही नहीं। तो आपको क्या करना है कि एनसीईआरटी बुक को आपको रिवाइजिंग करना है। रिवाइजिंग किस तरह से करना है तो मैं तो बताया, इसी तरह से आपको क्या करना है, उस चीज़ को रिवाइजिंग करना है। और जब इस तरह से रिवाइजिंग करेंगे तो क्लास क्या कि हर जगह पर आप टॉपर ही करेंगे। लेकिन आपकी आदत होनी चाहिए बुक का स्टडी करने की। अगर बुक का स्टडी आप नहीं करते हैं तो कभी भी टॉपर नहीं कर सकते हैं। जैसे मेरे ही तजुर्बा 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी टॉपिक को आप रिमेंबर करने के लिए उस पे आपको सोचना पड़ेगा। और एक चीज जानिए कि साइंस पेपर खास करके आपको सोचने के लिए होता है, चाहे कोई भी पेपर हो, जब क्वेश्चन को आप देखने के बाद उस क्वेश्चन के बारे में जब तक सोचिएगा नहीं, फर्स्ट टाइम तो आप देख के पढ़ लीजिए जो क्वेश्चन बना उसका आंसर, सेकेंड टाइम अगर भूल रहे हैं तो उस क्वेश्चन को आप रिमाइंड करने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं कि आप उठाए और फिर तुरंत नोट्स को पढ़ लिए और उसके बाद फिर याद कर लिए, फिर तीसरा दिन, चौथा दिन बाद, फिर पांचवा दिन में आप क्या कर लिए, फिर नोट्स को उठाए पढ़ लिए। ऐसे आपको याद नहीं करना है। आपको याद करना है माइंड में प्रेशर डाल के और रिकॉल करना है कि मैंने क्या याद किया था। बस 2 से 4 बार इस तरह से रिकॉल करेंगे तो सारी क्वेश्चन आपकी डील हो जाएगी। और जब भी आप स्टडी करेंगे तो उस पर क्वेश्चन सर्च करने की कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं कि कंप्लीट पढ़ लिए और चले गए। तो इस तरह से आप अगर मेहनत करते हैं अपना कोई भी क्लास में तो ये टॉप होना फिक्स है, 100% की गारंटी है, ये टॉप आप कर सकते हैं। क्योंकि इस तरह का अगर रूल आप अपना लेते हैं तो आप लाइफ में भी अपना टॉप कर सकते हैं। कहीं कोई भी फील्ड आप अगर अपना लेते हैं तो उस जगह पे आपको टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इससे मेरी जो बताई हुई बात को ध्यान से सुन लिए आप लोग, इस चीज़ को पर फॉलो करने की कोशिश करेंगे और इसी तरह से रिमेंबर करने की कोशिश करेंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप टॉप ही करेंगे। इसके लिए थैंक यू। और